हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। आपने हमारे देश के बारे में बनाए गए पिछले सभी वीडियोस को बहुत प्यार दिया है, उसके लिए आप सभी का दिल से हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज से हम भारत के पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज को शुरू करने के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। उम्मीद है ये वीडियोस भी आपको बेहद पसंद आने वाले हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है एक्सप्लोर YRS के नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं द लैंड ऑफ नागास यानी नागालैंड में घूमने की किन्हीं सात सबसे खास जगहों के बारे में। सातवें नंबर पर हमारी लिस्ट में जुको वैली आता है। जुको वैली नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर मौजूद बेहद ही खूबसूरत घाटी है। इस घाटी में छोटी छोटी सुंदर पहाड़ियां मौजूद हैं, जहां पर रंग बिरंगे फूल और बड़ी ही सुंदर इंस्टाग्रामेबल फोटोशूट लोकेशंस मौजूद हैं। पर आपको ट्रैकिंग से डर लगता है तो आपको यहां जाने का आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि यहां जाने के लिए आपको पैदल जंगल पार करके पहाड़ियों को चढ़ना होगा, तभी आप इस नज़ारे को देख पाएंगे। लेकिन अगर यहां एक बार गए तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आप इस जगह को चाहकर भी नहीं भुला पाएंगे। सिक्स्थ नंबर पर हमारी लिस्ट में मौजूद है आओ जनजाति का गढ़ कहा जाने वाला मोकोचुंग टाउन। ये नागालैंड राज्य का एक बहुत ही खूबसूरत टाउन है। ये शहर नागालैंड की कल्चरल और इंटेलेक्चुअल कैपिटल के नाम से लोगों के मन में बसा है। इसी वजह से इस शहर को लैंड ऑफ पायनियर्स भी कहा जाता है। पहाड़ियों पर बसे इस शहर तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। सर्दियों में शहर के अंदर कई सारे फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, जो रेस्ट ऑफ द इंडिया से बहुत ज्यादा अलग हैं। लेकिन ये फेस्टिवल्स आपको सिर्फ सर्दियों में ही सितंबर से नवंबर तक देखने को मिलेंगे। पांचवें नंबर पर हमारी लिस्ट में किसामा हेरिटेज विलेज मिलेगा। इस सुंदर से गाँव में आपको नागालैंड की 17 से ज्यादा ट्राइब्स के लोग प्यार से मिलजुल कर रहते मिलेंगे, इसलिए तो इस गाँव को हेरिटेज विलेज कहा जाता है। ये गांव आपको राजधानी कोहिमा से साउथ में सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा, जहां पर आपको एनुअल हॉर्नबिल फेस्टिवल भी देखने को मिल सकता है, जो हर साल 1 से 10 दिसंबर तक इस गांव में मनाया जाता है। इस गांव के पास से ही एशियन हाईवे नंबर 1 गुजरता है, जो जापान के शहर टोक्यो से होते हुए चीन, भारत, ईरान, पाकिस्तान से होते हुए तुर्की की राजधानी इस्तांबुल तक जाता है। चौथे नंबर पर हमारी लिस्ट में इस खूबसूरत राज्य की राजधानी कोहिमा आती है, जिसे आपने अक्सर किताबों अखबारों में पढ़ा होगा। वैसे इसका नाम कीहिमा है, लेकिन अंग्रेजों ने इस शहर को कोहिमा प्रोनाउंस किया था, जो आज भी हर जगह बोला जाता है। ये शहर अपनी अनटच्ड ब्यूटी, नागालैंड की सिटी लाइफ, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए पसंद किया जाता है। ये शहर नागालैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अंग्रेजों द्वारा 200 साल पहले इस शहर को डेवलप किया गया था, जो उनको बहुत पसंद था। आज भी ढेर सारे विदेशी शहर को घूमने आते हैं। मुझे लगता है आपको भी एक बार ये शहर जरूर देखना चाहिए। तीसरे नंबर पर हमारी लिस्ट में कछारी रुइंस आता है। ये जगह इतिहास पसंद लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है। ये कुछ ऐतिहासिक इमारतें और स्तंभ हैं, जो पुराने समय में कछारी साम्राज्य के समय बनाए गए थे, जो आज के समय खंडहर बन चुके हैं। इसमें से ढेर सारे स्तंभ आज भी खड़े हुए हैं और ढेर सारे टूट चुके हैं। ये सारे स्तंभ लगभग 1000 साल पहले बनाए गए थे। अगर आपको ये जगह देखनी है तो आपको नागालैंड के दीमापुर शहर जाना होगा, जो राजधानी कोहिमा से सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। सेकंड नंबर पर ट्रैकर्स और हाइकर्स की पसंदीदा जगह किफिरे माउंटेन्स आता है। ये एक बहुत ही सुंदर हरियाली भरी पहाड़ों की श्रृंखला है, जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। इस जगह को नागालैंड की सबसे ऊंची चोटियों का घर भी कहा जाता है। इन पहाड़ियों पर चढ़ते हुए आपको चारों तरफ रोडोडेंड्रोन के फूल चादर की तरह फैले मिलेंगे। यहाँ पर आपको वाटरफॉल्स, पिक्चर्स की पगडंडियाँ और फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, जो वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए एक अच्छी रिकमेंडेशन है। पहले नंबर पे हमारी लिस्ट में नागालैंड का एक खतरनाक गांव लोंगवा आता है। खतरनाक इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग इंसान को मारकर खा जाते हैं। अगर ऐसा है तो आप यहाँ घूमने कैसे जाएंगे? वेट, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बिना झिझक और डर के आप घूमने जा सकते हैं, क्योंकि इन चीजों पर सालों पहले सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। अब वहाँ के लोग दूसरे लोगों की तरह ही खाना खाते हैं। इस गांव का आधा हिस्सा भारत में और आधा हिस्सा म्यांमार में पड़ता है। इस गांव के रहने वाले लोगों को आज भी हेड हंटर्स के नाम से जाना जाता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला या नागालैंड में घूमने का मन हुआ तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें, ताकि अगली बार आपके शहर के बारे में ऐसे ही तथ्य और रोचक जगहों के बारे में वीडियो बना सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर YRS।